नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजी और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। आए दिन चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लुटेरों ने एक ट्रेन को लूट लिया और ट्रेन की चेन खींचकर वहां से फरार हो गए। ये घटना बिहार में हुई है जहां दिल्ली कोलकाता दुरंतो एक्सप्रेस में रविवार को लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात के बाद बदमाशों ने चेन पुलिंग कर फरार हो गए। ये घटना नई दिल्ली से कोलकाता जा रही गाड़ी संख्या 122/74 डोरंटो एक्सप्रेस में बंदूक के सहारे बदमाशों ने चलती ट्रेन में यात्रियों के सामान और रुपए लूट लिए। लुटेरों ने कई यात्रियों से बंदूक की नोक पर जबरन उनका पर्स, मोबाइल और गहने छीन लिए। पुलिस के मुताबिक ट्रेन बिहार के पतियारपुर से गुजरात जा रही थी, उसी वक्त चेन पुलिंग की घटना हुई। बताया जा रहा है कि जब ट्रेन बिहार के पटना को पार कर रही थी तभी लगभग 10 किलोमीटर दूर अचानक किसी ट्रेन ने चेन खींची। यात्रियों ने बताया कि रविवार रात करीब 3 बजे ट्रेन पटना से आगे निकली थी कि बोगी के पहले से सवार गिरोह के लूटने से चेन खींची। ट्रेन के रुकने के बाद लगभग 30 हथियारबंद बदमाश ट्रेन के 6-7 बोगियों में घुसे और लूटपाट शुरू कर दी। लुटेरों ने कथित तौर पर कई यात्रियों का सामान और कीमती सामान उनसे छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद 5 मिनट के अंदर ही सारे बदमाश ट्रेन से उतर गए। दानापुर RPF के सीनियर कमांडेंट प्रकाश कुमार ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे ट्रेन जब GCR पहुंची तो लूट के शिकार यहां यात्रियों ने GRP थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि GRP ने IPC की धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया है।